दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने जम्मू एंड कश्मीर को लेकर एक ऐसा ट्वीट किया है कि उनकी ये हरकत अब उन्हीं पर भारी पड़ गई है। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा भी उनकी इस हरकत पर बेहद खफा है, जिन्होंने गुस्से से आग बबूला होते हुए इस खिलाड़ी को ऐसी फटकार लगाई है जिसे सुनकर आप भी सानिया मिर्जा के फैन हो जाएंगे। तो आखिर क्या है पूरा माजरा और क्या कुछ कहा है सानिया मिर्जा ने, सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, बाबर आजम और रोहित शर्मा में से सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कौन है? अपने जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान आतंकवाद और बदहाली की वजह से काफी सुर्खियों में बना हुआ है। कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान के पेशावर में हुए एक बम धमाके से कई लोग जख्मी हो गए थे। वहीं हाल ही में क्वेटा में चल रहे पीसीएल का एक एग्जीबिशन मैच भी धमाके की वजह से ही बीच में रोकना पड़ गया था। इतना ही नहीं, देश भर में पावर ब्रेकडाउन की वजह से पूरे दिन पाकिस्तान में बिजली गायब थी। वहां महंगाई आसमान छू रही है, लोग दो वक्त के खाने को तरस रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान को कश्मीर की पड़ी है। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने बीते दिन कश्मीर सॉलिडेरिटी डे को सेलिब्रेट करने के चक्कर में कुछ ऐसा बोल दिया कि वो फैंस के बीच एक चर्चा का नया विषय बन गए। रिजवान ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए इसके बारे में ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरा दिल दुआएं या दर्द कश्मीर या कश्मीरियों के साथ है। अल्लाह पाक आप सबके लिए बेइंतहा आसानी करे, आमीन। और दोस्तों, जैसे ही रिजवान ने ये ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर उनका ये बयान धड़ल्ले से वायरल हो गया, जहां रिजवान की इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया दो खेमों में बट गया था। एक तरफ पाकिस्तानी अपने विकेट कीपर बल्लेबाज के सपोर्ट में उतरे थे, तो बहुत से लोगों ने रिजवान को इस मुद्दे पर आड़े हाथों लिया, जिसमें सानिया मिर्जा भी शामिल है। जी हां, आपको बता दें, भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने मोहम्मद रिजवान को फटकार लगाते हुए कहा कि रिजवान ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो छोटे बच्चे नहीं है, उन्हें अंदाजा होना चाहिए क्या बोलना है और क्या नहीं। क्रिकेट और राजनीति को अलग रखना चाहिए। जब आप दोनों को साथ लेकर चलेंगे तो आपको लोगों की खरी खोटी सुननी ही पड़ेगी। रिजवान का बयान सरासर गलत है, उन्हें अपने शब्द वापस लेकर लोगों से माफी मांग लेनी चाहिए, अन्यथा उन्हें भविष्य में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उनके लिए बेहतर यही होगा कि वो अपने क्रिकेट करियर पर ध्यान दें, ना कि कश्मीर मुद्दे पर। उसके बारे में सोचने के लिए बहुत से लोग हैं। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या मोहम्मद रिजवान का कश्मीर मुद्दे को लेकर ऐसे ट्वीट करना सही था या गलत? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।